गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में नंबर्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी हमने लास्ट वीडियो में? नंबर्स के। नंबर्स कितने टाइप के? देखो, नेचुरल नंबर होता है, कुछ होल नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। तो हमने क्या किया था, ये कुछ लास्ट वाले उसमें एक वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अभी मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमें इसके बिहाफ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो बस आपको क्या करवा रही हूँ, नंबर्स का रिवीजन करवा रही हूँ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब जो बहुत, मतलब इन्फिनिटी का मतलब पता नहीं कब तक, कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब एक सेंस मान लो कि जो बहुत लंब, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो नंबर्स, ठीक है। होल नंबर में क्या होता है, होल। यहाँ पे एक मैं आपको हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से। अगर आपको होल नंबर आप अच्छे से याद कर पाओगे तो नेचुरल नंबर से, देखो ये क्या है, एच ओ, यानी कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे होल, होल में क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो, या कि ओ। ओ का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे आप इसमें देखोगे ना ओ, जैसे यहाँ पे ओ देखो तो आप समझ जाओ कि ये होल नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ। यानी कि होल नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश लेके, यानी कि ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे, ये बताओ। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। किससे डिविजिबल नहीं होते? 2 से डिविजिबल नहीं, जिसके 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 9, 11, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं और बाकी और भी नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 12 की, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल तो होते हैं, बाकी नंबर से भी हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर एकमात्र, यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो कि किसी से नहीं, यानी किसी से भी नहीं डिविजिबल होते, सिवाय 1 के और खुद से। अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होगा, जैसे कि 1 से और खुद से। अगर हम बात करेंगे 2 से, तो 2 देखो, 2 के फैक्टर करो, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर ये खुद के 2 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करेंगे 5 से, तो 5 या तो 1 से होगा डिविजिबल या फिर 5 से होगा, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आते। 5 बताओ किसी के टेबल में आता है? जल्दी से बताओ, किसी और के टेबल में आता है क्या 1 और 5 के अलावा? नहीं आता ना। 7 भी एकमात्र ऐसा नंबर जो कि 1 और 7 में ही आता है। ऐसे 11, ऐसे, यानी कि वो नंबर्स, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर्स हो, क्या हो, जिनके दो फैक्टर्स हो और वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। अगर अच्छा, चलो अब बात करेंगे कि मैडम 1 क्यों नहीं हो सकता, बताओ 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता? 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 ही होगा, इसलिए वो 1 का 1 प्राइम नंबर्स नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं इसके। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, ये फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय द डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम इसमें निकाल सकते हैं, ये क्या दे रखा है, हमें एक नंबर दे रखा है, हमें किससे निकालना है, डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। तो डिवीजन मेथड बच्चों क्या होता है, देखो ये क्या है, हम हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें कोई नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, हम सबसे पहले इसको क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि ये जो लास्ट इनकी कोई भी वैल्यू हमें या फिर कोई भी नंबर दे रखा हो उसका जो लास्ट नंबर होता है उसको हम चेक करते हैं। और चेक करना, हमें चेक क्या करना है, लास्ट में जीरो आना चाहिए, इनकी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब यहाँ पे या तो जीरो आए या फिर 2 आए या फिर 4 आए या फिर 6, 8, ये अगर नंबर आ रहे हैं कहाँ पे, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट की जगह 0, 2, 4, 6, 8 अगर नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और हमेशा जब भी हम इस टाइप से डिवीजन मेथड का सॉल्व करते हैं हमेशा क्या करना होता है बच्चों, और इसमें हमें ये ध्यान है प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और प्राइम फैक्टर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या होते हैं, एक बार जल्दी सोचो, जल्दी से आंसर को मैंने तुरंत बताया है ना। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, और हमें ये चेक करना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे यूनिट डिजिट हमें देखना होता है कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे
इन यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा सबसे पहले छोटी डिजिट से लेते हैं। तो 1 क्या है, 1 से तो हम नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो वही इतना नंबर हम उससे बड़ी डिजिट क्या होगी, 2 से। 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड, देखो डिवाइड करेंगे, देखो 1 से करेंगे तो 1 तो छोटा हो जाएगा, हम क्या करें 2 डिजिट लेंगे यानी 14 में करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा पहले। और ये कितना है यहाँ, ये पूरा एक डिजिट है 2 2 4। मैं यहाँ पे एक बार आपको देखो करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे कितना 144 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है, क्या किया हमने डिवाइड, 2 से करेंगे तो 1 में तो जाएगा कितने करेंगे, 2 डिजिट, 2 7 14 हुआ ये, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 0, इसका मतलब कितने टाइम्स गया ये 72 टाइम्स, और हमें निकालने क्या है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब कितना हो गया है 72 टाइम्स गया। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है जिसमें 2 0 2 4 6 8 आता है, वो क्या होगा डिवाइड होता है किससे, 2 से। इसका मतलब ये 2 से जाएगा, इसको देखो 7 जो है कितनी बार जाएगा 2 से, 2 3 6 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे जो कैरी बनेगी वो यहाँ पर आएगी, 2 6 12 हो जाएगा ये दोबारा। इसको क्या करो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना बच्चा, तो आप क्या करना, इसको 72 को डिवाइड करके, जैसे हमने 144 को 2 से डिवाइड किया, वैसे ही आप क्या करोगे 72 को 2 से डिवाइड करोगे, राइट। आप जब करोगे तो आंसर 36 आएगा। फिर से देखो, अब यहाँ पे देखो 6 आ रहा है यूनिट, मैंने क्या हुआ था यहाँ पे 2 0 2 4 6 8 जब आएगा तो इसका मतलब वो 100% 2 से जाएगा, इसका मतलब ये भी 2 से जाएगा। करो उसको सॉल्व, 2 1 2 वन टाइम गया, यहाँ पे कैरी आएगी 16 बनाएगा, 2 8 16 हो गया 18। आप क्या करेंगे, अब यहाँ फिर से 8 यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 यानी कि 8 भी है यहाँ पर, इसका मतलब ये 2 से फिर से जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 9 18 9 हो गया। अब देखो अब क्या, यहाँ पे 0 2 4 6 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट तो है ही नहीं, अगर यूनिट डिजिट नहीं है इसका मतलब ये हो गया। अब इसके इससे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है जल्दी से बताओ, इससे बड़ा प्राइम फैक्टर होता है 3। मैंने बताया था ना क्या होता है 3 2 3 5 इनके ऐसे नंबर जो कि किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, तो 3 नेक्स्ट सब इससे बड़ा प्राइम फैक्टर हो गया, तो कितनी बार जाएगा 3 के टेबल में 9 कितनी बार, 3 बार 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 3 1 3। अब देखो ये आ गया यहाँ 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जब यहाँ पर 1 आ जाता है इसका मतलब अब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब पूरा डिविजिबल हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये पूरा डिविजिबल हो चुका है, ठीक है। अगर हम यानी कि ये देखो 2 हमारे प्राइम फैक्टर है ना, और ये भी 3 भी प्राइम फैक्टर है। आप देखो इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, जैसे कि कितने 1 2 3 4 इनके 4 टाइम्स 2 है, 2 into 2 into 2 into 2 4 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 हो गया, 1 2 यानी कि 2 टाइम्स कितने 3 है, 3 into 3। जब इसको सॉल्व करोगे ना मल्टीप्लाई जब इनको करो तो आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करो 144 ही आंसर आएगा, जो हमने निकाला यानी कि 144 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम प्राइम फैक्टर फिर से बताओ, वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल इनकी जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये कितना दे रखा है हमें 100 को सॉल्व कर लेते। देखो मैंने क्या बताया था 0 0, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये भी 2 से जाएगा, ठीक है 2 से जाएगा। सॉल्व करते हैं जी, ये 1 तो नहीं जाएगा, इससे कितना 100 का 10 ले लेंगे तो 2 5 10 कितना 2 5 10 बचेगा 0, तो हम 0 साथ में लिख देंगे, राइट। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, फिर से सॉल्व करते हैं 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 4 कैरी 1 2 5 10 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप सिंपल डिवाइड करके देखोगे, जैसे कि मैंने कहा 50 को क्या किया 2 से डिवाइड किया हमने, 2 2 4 ये कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे ये 0 आया, 2 5 10 तो कितना आया 25 यानी कि सॉरी कितना है 25 यहाँ पर आ गया। अब देखो ये 2 से जाएगा 0 2 4 6 8, इसका मतलब ये इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा इसका मतलब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 से भी नहीं जाएगा। देखो इन और एक और बात, 3 के अगर हमें देखना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स देखे इनका ऐड देखो, 2 + 5 कितना है 2 + 5 क्या 2 + 5 तो 7 बनाते हैं। जब भी आपको 3 से करना हो ना बच्चों, तो क्या करना है, आप जो नंबर्स दे रखे उन दोनों नंबर को प्लस करके देखो, 5 + 2 7 क्या 7 जो है 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। जब भी ऐसे आप करके देखो ना, अगर मान लो आपको चेक करना है ये 3 से जाता है कि नहीं जाता, तो आप जो नंबर दे रखे ना 2 और ये 5 इन दोनों को आप प्लस कर लो आपस में, तो 2 + 5 7 7 2 3 के टेबल में आता नहीं आता, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये
थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर वो कौन सा हो जाएगा, फाइव, तो फाइव से तो जाता है क्योंकि फाइव को कैसे चेक करेंगे, जाता है जिसके पीछे जीरो और फाइव आए। अगर जीरो और फाइव आता है इसका मतलब ये हुआ ये 100% फाइव से जाएगा, तो फाइव से सॉल्व करेंगे, फाइव फाइव जा 25। अब ये फिर से फाइव आ रहा है इसका, तो ये फाइव से ही जाएगा, फाइव वन जा फाइव, ये कितना बना यहाँ, ये आ गया वन, इसका मतलब ये इससे ज़्यादा आगे अब सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते इसको, टू इंटू फाइव इंटू फाइव, जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा इसका आंसर, 100 ही आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 100। और ये सारे के सारे, ये सारे ये टू एक प्राइम फैक्टर है, ये भी एक टू क्या, ये भी फाइव क्या, ये भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ये भी प्राइम नंबर है। हमें यही फाइंड करना था कि ये प्राइम नंबर फाइंड करने थे और किसके मेथड से, डिवीजन मेथड से सॉल्व करते, समझ में आया ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय ट्री मेथड। कौन सी मेथड सॉल्व करना बच्चों हमें, ट्री, ट्री का मतलब पेड़, पेड़ पेड़ फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तब क्या करेंगे यहाँ पे हम पेड़ की ट्री फैक्टराइजेशन करेंगे। ट्री फैक्टराइजेशन का मतलब है जैसे ये दो नंबर ऑफ किस में चेंज करना है, प्राइम फैक्टर में ही चेंज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना किस में चेंज करना है हमको, ये प्राइम फैक्टर में ही चेंज करना। प्राइम फैक्टर नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो कि वन से और खुद से डिविजिबल होते हैं, राइट। अब देखो ये 88 है, 88 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पेड़ बना के इसका, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 88 था ठीक है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। एक तो ये टू, यानी कि टू एक प्राइम फैक्टर होता है, टू से डिवाइड करेंगे, टू फोर जाए एट, टू फोर जाए कितना बनेगा यहाँ पे, 44 बनेगा। यानी कि एक तो हमारा प्राइम नंबर आ गया टू, अब इसको हम कुछ नहीं करते, इसको साइड छोड़ देते ठीक है। अब ये 44 है, इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करना है, इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं कैसे, इसको फिर से टू में तोड़ लूँ क्या मैं, टू से टू टू जा फोर, और ये कितना बचेगा यहाँ, टू टू जा फोर टू, यानी कि देखो फिर से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्राइम फैक्टराइज में तोड़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ रही हूँ ठीक है। और प्राइम फैक्टराइज